तो दंतेवाड़ा में मतदान से ठीक पहले नक्सलियों ने बड़ा हमला किया है और नक्सल के प्रभावित इस क्षेत्र में बीजेपी विधायक का काफिला गुजर रहा था जिस पर नक्सलियों ने घात लगाकर हमला किया। आईडी ब्लास्ट के बाद फायरिंग की गई और इसमें बीजेपी विधायक की मौत भी हुई है। क्या कुछ डीजीपी का कहना है, आपको सुनवाते हैं। थाना प्रभारी श्री आदित्य सिंह को यह जानकारी मिली कि विधायक श्री भीमा मंडावी जी बचेली से कुआं कुंडा मार्ग की ओर जाएंगे, तो उन्होंने उनसे अपने मोबाइल से 15:50 बजे टेलीफोन पर बात की और उन्हें बताया कि उस मार्ग पर आरोपी नहीं है, सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, अतएव पर्याप्त सुरक्षा नहीं होने से उस मार्ग पर न जाएं। किंतु श्री टीआई श्री शील आदित्य सिंह की श्री मंडावी जी से लगभग 1:59 बात हुई है, इसके बावजूद भी माननीय विधायक अपनी गाड़ी और 2 सुरक्षा वाहनों के साथ उसी रास्ते की ओर चले गए जहां कुआकोंडा से 4 किलोमीटर पहले ये दुखद घटना माओवादियों के द्वारा आईडी विस्फोट के द्वारा कारित की गई। आईडी ब्लास्ट के उपरांत साथ में चल रही 2 गाड़ियों ने जवाबी फायरिंग पुलिस कर्मियों द्वारा की गई जिससे माओवादी भाग गए। पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा अतिरिक्त बल के साथ मौके पर पहुँच गए और वहां पर जाके उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाए। इस घटना में माननीय श्री मंडावी के साथ उनके ड्राइवर और 3 पी तो छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने बीजेपी विधायक के काफिले पर हमला किया। नक्सलियों ने बीजेपी विधायक के काफिले में शामिल एक बुलेट प्रूफ कार को निशाना बनाते हुए बड़ा धमाका किया। इस हमले में विधायक भीमा मंडावी की मौत हो गई और इस हमले में 4 जवान भी शहीद। पहले चरण में जिन राज्यों में वोटिंग होनी है उनमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है और उसी छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में मतदान से ठीक पहले आतंकियों ने खूनी खेल खेला है, जहां नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने बीजेपी विधायक के काफिले पर हमला कर दिया। सूत्रों के मुताबिक नक्सलियों ने बीजेपी विधायक के काफिले में शामिल एक बुलेट प्रूफ कार को निशाना बनाते हुए बड़ा धमाका किया। इस हमले में विधायक भीमा मंडावी का हमले में काफी देर तक कुछ पता नहीं चला, बाद में उनकी मौत की खबर आई। विधायक काफिले में शामिल अंतिम वाहन में थे। बताया जा रहा है कि ये हमला दंतेवाड़ा के श्यामगिरी इलाके में हुआ है। डीआईजी एंटी नक्सल ऑपरेशन पी सुंदर ने विधायक भीमा मंडावी की मौत की पुष्टि की है। शाम को दंतेवाड़ा जिला में कुआकोंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत श्यामगिरी क्षेत्र में एक आईडी ब्लास्ट में दंतेवाड़ा विधायक श्री भीमा मंडावी और उनके साथ एक ड्राइवर और 3 PSO, कुल 5 लोग उस घटना में शहीद होने का भी प्राथमिक जानकारी आ रहा है। घटनास्थल में SP और अन्य बल पहुंच गई है। अभी घटनास्थल को निरीक्षण करके जो शहीदों को या जिसका डेथ हुआ उनके शिनाख्ती करने की कार्रवाई कर रहा है और बाकी जो अभी तक जो जानकारी अनुसार अन्य किसी का कोई नुकसान होने का कोई खबर नहीं है। फिर भी घटनास्थल के आसपास पूरा सर्चिंग जारी है और प्राथमिक जानकारी ये प्राप्त हुआ अभी। वहीं PM नरेंद्र मोदी ने हमले की निंदा की है और हमले में शिकार सभी लोगों के परिवार के प्रति संवेदना जताई है। PM ने कहा है कि हमले में शहीद जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इधर राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फौरन उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। वहीं इस हमले के बाद से ही इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी नेता अनिल जैन ने इस हमले के लिए राज्य सरकार और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर सवाल उठाए हैं। और ये नक्सलियों द्वारा कायरानापूर्ण जो हमला हुआ है जिसमें हमारे बहुत ही प्रखर कार्यकर्ता वहाँ के विधायक भीमा मंडावी जी की मृत्यु हुई है, उनके साथ में अपने 3 जवान भी शहीद हुए हैं और उनके ड्राइवर की भी मृत्यु हुई है। ये बहुत दुखद घटना है और इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। साथ ही साथ ये भूपेश बघेल की जब से सरकार बनी है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है, तब से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन समाप्त हो गई है और नक्सलियों के हौसले बुलंद हुए हैं। नक्सलियों से साठगांठ करके जिस प्रकार से इन्होंने सरकार बनाने का काम किया है और जिस प्रकार ये वोट की खातिर छत्तीसगढ़ के अमन चैन को लूट रहे हैं, ये इस पर CBI की जाँच होनी चाहिए। इससे पहले भी नक्सलियों ने दूरदर्शन की टीम पर हमला किया था और 2013 में सुकमा जिले में 1000 से ज्यादा नक्सलियों ने कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हमला कर दिया था। इस हादसे में कांग्रेसी नेता विद्याचरण शुक्ल, महेंद्र कर्मा और नंद कुमार पटेल समेत 25 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हुए थे।
बता दें कि जिस जगह से ये हमला हुआ है उस इलाके में पहले चरण में यानी 11 अप्रैल को वोटिंग होनी है। छत्तीसगढ़ में कुल 3 चरणों में 11 अप्रैल, 18 अप्रैल और 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इलेक्शन डेस्क, टोटल न्यूज। तो चुनाव से चंद महीने पहले सियासी कुश्ती खेलने में माहिर दिल्ली के जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी ने इस बार किसी भी सियासी पार्टी को समर्थन नहीं करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम समुदाय इस बार खुद तय करे कि वो किसे वोट देना चाहता है। चुनाव से चंद महीने पहले सियासी कुश्ती खेलने में माहिर दिल्ली के जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी ने इस बार किसी भी सियासी पार्टी को समर्थन नहीं करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम समुदाय इस बार खुद तय करे कि वह किसे वोट देना चाहती है। शाही इमाम अहमद बुखारी ने अपने बयान में कहा है कि लोकतंत्र में यह तय कर पाना काफी मुश्किल होता है कि कौन सी राजनीतिक पार्टी देश को विकास और एकजुटता के रास्ते पर ले जाएगी। ऐसी स्थिति में लोकतांत्रिक चुनाव के दौरान लोगों को, विशेषकर मुस्लिम समुदाय को, इस बात का फैसला करना होगा कि एक नई सरकार चुनी जाए। इस दौरान बुखारी मुस्लिम आवाम नसीहत देना नहीं बोलते और कहते हैं कि मुस्लिम आवाम को ये बात ध्यान में रखना होगा कि सभी राजनीतिक पार्टियों ने उन्हें निराश किया है और उन्हें उपेक्षा है कि उनके वादों की लंबी लिस्ट है, बड़े बड़े बयान और घोषणाएं किए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका कोई पालन नहीं किया गया है। मुस्लिमों के साथ अन्याय की कहानी बेहद लंबी है। इसके साथ अहमद बुखारी ने देश के हालात पर चिंता भी जताते हुए, बुखारी का कहना है कि बढ़ते धार्मिक उन्माद और कट्टरता हमारे देश के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। इन परिस्थितियों में सभ्य समाज को गंभीर चिंता में डाल दिया है। हालात यह हो गए हैं कि देश के सुनहरे सिद्धांतों और अनेकताओं में एकता की बजाय सांप्रदायिकता का जहर फैलाया जा रहा है। बता दें कि अहमद बुखारी सपा, कांग्रेस, यहां तक कि बीजेपी को भी एक बार वोट करने की भी अपील कर चुकी हैं। इलेक्शन डेस्क, टोटल न्यूज। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के करीबी लोगों पर आयकर विभाग की ओर से कार्रवाई जारी है। आयकर विभाग की कार्रवाई में 281 करोड़ की बेनामी संपत्ति का पता चला। इसके अलावा कुछ और दस्तावेज भी मिले हैं। कार्रवाई को लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने। मध्य प्रदेश में आयकर विभाग के छापे की कार्रवाई में 281 करोड़ रुपए के बेहिसाब कैश रैकेट का पता चला। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्सेस यानी CBDT ने बताया कि राजनीति, व्यापार और सरकारी सेवाओं से जुड़े लोगों के जरिए ये रकम इकट्ठा की गई। CBDT के मुताबिक कैश का एक हिस्सा हवाले के जरिए दिल्ली स्थित एक बड़ी राजनीतिक पार्टी के मुख्यालय में भी ट्रांसफर किया गया था। इसमें 20 करोड़ की वो रकम भी शामिल है जिसे हाल ही में पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने तुखलक रोड स्थित आवास से पार्टी मुख्यालय भेजा गया। दिल्ली के आयकर निदेशालय की टीम 2 दिन से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कमलनाथ से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। हालांकि CBDT की तरफ से जारी बयान में किसी नेता विशेष के नाम का जिक्र नहीं किया गया। आयकर विभाग की टीम CM के निजी सचिव प्रवीण कक्कर की पत्नी साधना को IDBI बैंक लेकर गई, जहां लॉकर खुलवाया, जहां से 48 लाख रुपए की ज्वेलरी मिली। इसके पहले घर में 30 लाख की ज्वेलरी मिली थी। CM कमलनाथ के सलाहकार राजेंद्र मिगलानी के घर 30 घंटे तक छापेमारी चली। विभाग को इलेक्शन बॉन्ड खरीदे जाने के दस्तावेज मिले। दस्तावेज में लिखा था इलेक्शन बॉन्ड 200। छापे में अनेक डायरियां और कंप्यूटर भी मिले हैं, जिनमें पिछले कुछ महीनों का हिसाब मिला है। इन दस्तावेजों में दुबई में भी एक प्रॉपर्टी खरीदे जाने का जिक्र है। फर्जी शेल कंपनियों के जरिए 250 करोड़ रुपए से ज्यादा का काला धन सफेद किए जाने का शक जताया जा रहा है। दिल्ली में छापेमारी के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारियों के रिश्तेदार के यहाँ से बड़ी मात्रा में कैश बुक मिली है। इसके जरिए 230 करोड़ रुपए के अवैध लेन देन किए गए। बोगस बिलों के जरिए 242 करोड़ रुपए विदेश भेजे जाने के पुख्ता प्रमाण मिले हैं। टैक्स हेवन कहे जाने वाले देशों में 80 से ज्यादा कंपनियों का संचालन चल रहा था। इसके साथ ही दिल्ली के पौश इलाके में बेनामी संपत्ति भी मिली है। इस पूरे मामले में चुनाव आचार संहिता का बड़ा उल्लंघन सामने आया। इस बारे में चुनाव आयोग को भी जानकारी दी गई है। आयकर छापों में राज्य पुलिस की जानकारी के बिना CRPF के इस्तेमाल को लेकर DGP VK सिंह ने आपत्ति जताई और मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। DGP सिंह ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वो इस मुद्दे को केंद्र सरकार के समक्ष उठाएं। DGP सिंह ने पत्र में लिखा है कि IT के करीब 20 अधिकारियों के साथ CRPF के ऑटोमेटेड हथियारों से लैस 200 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी इन छापों में शामिल रहे। जिस तरह रहवासी क्षेत्र में CRPF को तैनात किया गया, ये खतरनाक दिखता है। इतनी बड़ी संख्या में हथियारबंद जवानों की उपस्थिति से खौफ पैदा हुआ। दूसरी तरफ आयकर छापों में राज्य पुलिस के हस्तक्षेप को लेकर
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से जवाब तलब किया है। इन पर दोनों ने कानून सम्मत कार्रवाई का आश्वासन दिया। राज्यपाल के सचिव डीडी अग्रवाल ने ये पत्र लिखकर उनकी ओर से जवाब मांगा था। राज्यपाल ने केंद्रीय एजेंसियों आईटी और ईडी की कार्रवाई में राज्य पुलिस के हस्तक्षेप पर गंभीर चिंता व्यक्त की। आयकर विभाग की कार्रवाई को लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश में हुई कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरा देश भली भांति वाकिफ है कि पिछले 5 साल से किस तरह संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल कर कुछ गिने चुने लोगों के खिलाफ काम किया जा रहा है। जब उनके पास विकास और अपने काम के बारे में कहने के लिए कुछ नहीं, तब वो विपक्षियों के खिलाफ इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सब कुछ चुनाव के समय हो रहा है। खुद कहा है कि वे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 15 सालों में, ये एक प्रतीक है, एक छोटा सा तिनका है जो नोट मिले हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग से जुड़े लोगों को कि हाँ ये मिला है। आपको बदनाम करने की साजिश है सर, आपको बदनाम करने की साजिश है सर, केंद्रीय एजेंसी मिसयूज कर रही है, केंद्रीय एजेंसी मिसयूज कर रही है आपको बदनाम करने के लिए। बिल्कुल, केंद्रीय एजेंसी आज दबाव डालना चाहती है, वो जानते हैं चुनाव हार रहे हैं, अब इनके पास यही हथकंडे बचे। मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई दबा नहीं सकता। बीजेपी की ओर से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुझे आश्चर्य है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सहयोग करने की बजाय आयकर विभाग के अधिकारियों को कार्रवाई करने से रोक रहे हैं। बहरहाल आयकर विभाग की ओर से कार्रवाई जारी है। इस पूर्व मामले को लेकर विभाग की ओर से कुछ और खुलासे किए जाने की संभावना है। अब देखना होगा आयकर विभाग की ओर से किस तरह के खुलासे किए जाते हैं। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज। तो चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ महाराष्ट्र के लातूर पहुंचे और मोदी और ठाकरे 27 महीने बाद एक मंच पर साथ दिखाई दिए। इस दौरान मोदी विपक्ष पर जमकर बरसे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में अब महज 2 दिन का समय बाकी है और ऐसे में राजनीतिक दल प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। एक के बाद एक चुनावी रैली लगातार जारी है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को महाराष्ट्र पहुंचे। यहां मोदी ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ लातूर में जनसभा की। इस दौरान पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबियों पर लगातार पड़ रहे छापे पर जमकर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि वो हमेशा हमारी चौकीदारी पर सवाल उठाते हैं, लेकिन कांग्रेस के करीबियों के घर से ही बक्सों में भरे नोट बरामद हुए हैं। इससे पता चलता है कि असली चोर आखिर कौन है। आपको इस चौकीदार पर विश्वास है? भाई और बहनों, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए ये हमारा काम और हमारे संकल्प है। इसी तरह कांग्रेस और उसके साथियों की देश विरोधी सोच है। भाइयों और बहनों, कांग्रेस ने कहा कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 किसी भी कीमत पर नहीं हटाई जाएगी। जो बात कांग्रेस का ढकोसला पत्र कह रहा है, वो ही भाषा पाकिस्तान भी बोल रहा है। कांग्रेस सरकार में बरसते हुए मोदी बोले, मध्य प्रदेश में सरकार बने अभी 6 महीने नहीं हुए, लेकिन इनकी कलाकारी देखिए, अरबों खरबों रुपए की लूट के सबूत मिले हैं। बड़े बड़े लोगों के बंगलों से करोड़ों का काला धन इधर से उधर हुआ है। डर के कारण कुछ राग दरबारी इनके खासम खास वहाँ पहुँच गए कि पैसे जब्त ना हो और दबाव बनाने लगे। मोदी ने कहा, पाकिस्तान जो चाहता है वही भाषा कांग्रेस बोलती है। पाकिस्तान भारत के खिलाफ कोई झूठ बोलता है तो कांग्रेस झट से उसे लपक लेती है। देश में परिवारवादी पार्टियां अगर सीखना है तो बाला साहब ठाकरे से सीखो। अरे कांग्रेस में भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार है। आपने देखा होगा कल परसों कैसे कांग्रेस के करीबियों के, कांग्रेस के दरबारियों के घर से बक्सों में नोटे निकली है। नोटे देखा कि नहीं देखा? टीवी पे देखा कि नहीं देखा?
नोट से वोट खरीदने का ये पाप इनकी राजनीतिक संस्कृति रही है। अब बताइए भैया, वो पिछले 6 महीने से बोल रहे हैं चौकीदार चोर है, बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? लेकिन नोटें कहां से निकलती है, नोटों के बंडल कहां से निकल रहे हैं, असली चोर कौन है? शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे के साथ मंच साझा कर रहे पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हम देशद्रोह का कानून हटाएंगे। अरे मैं कहता हूँ कि पहले दर्पण में जाकर अपना मुंह देखो। आप कांग्रेस वाले ही थे जिन्होंने बाला साहेब ठाकरे की नागरिकता छीन ली थी, उनका मतदान करने का अधिकार छीन लिया था। आपको बता दें कि आज पहले चरण के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। मोदी कर्नाटक और तमिलनाडु में भी रैली को संबोधित करेंगी। खास बात ये है कि मोदी और ठाकरे 27 महीने बाद एक मंच पर साथ दिखाई दिए। लातूर में चुनाव मैदान में 10 उम्मीदवार हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच है। शिवसेना ने भाजपा से हाल ही में महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे पर समझौता किया है। भाजपा यहां 25 सीटों पर और शिवसेना 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। राज्य में 48 लोकसभा सीट है। महाराष्ट्र में 4 चरणों में 11, 18, 23 और 29 अप्रैल को मतदान होगा। नतीजे 23 मई को घोषित किए जाएंगे। इलेक्शन डेस्क, टोटल न्यूज। तो आम चुनाव का पहला चरण महज 2 दिन के फासले पर है। पहले चरण के लिए प्रचार थम चुका है। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण में वोटिंग कहां कहां होगी। अब वो दिन नजदीक आ चुका है जिसका देश की जनता पिछले 5 सालों से इंतजार कर रही थी। लोकसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान के साथ ही जनता एक एक दिन करके चुनाव के दिन का इंतजार कर रही है। और अब लोकसभा चुनाव के पहले चरण में महज 2 दिन ही बचे हैं। इस बार लोकसभा की 543 सीटों के लिए 7 चरणों में चुनाव हो रही है। पहले चरण के तहत 11 अप्रैल को वोटिंग होगी, जबकि आखिरी चरण की वोटिंग 19 मई को होगी और नतीजे 23 मई को आएंगे। चलिए जानते हैं कि किस चरण में कहां वोटिंग होगी। पहले चरण में 20 राज्य 91 सीटें, 20 राज्यों की 91 सीटों पर 11 अप्रैल को वोटिंग, आंध्र प्रदेश की सभी 25 लोकसभा सीटों पर मतदान, असम की 5, बिहार की 4, जम्मू कश्मीर की 2 सीट और छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर वोटिंग, महाराष्ट्र की 7, मणिपुर की 2, मेघालय की 2 और उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर वोटिंग, तेलंगाना की 17 और उत्तराखंड की 5 सीटों पर मतदान, पश्चिम बंगाल की 2 और नागालैंड मिजोरम की 1-1 सीट पर मतदान। दूसरे चरण में 13 राज्य 97 सीटें, 13 राज्यों की 97 सीटों पर 18 अप्रैल को वोटिंग, असम बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 3, कर्नाटक की 24 और जम्मू कश्मीर की 2 सीटों पर मतदान, महाराष्ट्र की 10, मणिपुर की 1, ओडिशा की 5, तमिलनाडु की 39 और उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान, पश्चिम बंगाल की 3 और पुडुचेरी की 1 सीट पर मतदान। तीसरे चरण में 14 राज्यों की 115 सीटें, 14 राज्यों की 115 सीटों पर 23 अप्रैल को वोटिंग, असम की 4, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 7, गुजरात की 26 और गोवा की 2 सीटों पर वोटिंग, कर्नाटक की 14, केरल की 20, महाराष्ट्र की 14, ओडिशा की 6 और उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर वोटिंग, पश्चिम बंगाल की 5 और दादरा नगर हवेली की 1 सीट पर वोटिंग, जम्मू कश्मीर और दमन दीव की 1 सीट पर मतदान। चौथे चरण में 9 राज्यों की 71 सीटें, चौथे चरण की नामांकन प्रक्रिया जारी, 9 राज्य की 71 सीटों पर 29 अप्रैल को मतदान, बिहार की 5, झारखंड की 3, मध्य प्रदेश की 6, महाराष्ट्र की 17 और ओडिशा की 6 सीटों पर मतदान, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की 13, पश्चिम बंगाल की 8 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर मतदान, पांचवे चरण में 7 राज्य की 51 सीटें, नामांकन प्रक्रिया 10 अप्रैल से शुरू होगी, पांचवे चरण में 6 मई को मतदान होंगे, बिहार की 5, जम्मू कश्मीर की 2, झारखंड की 4, मध्य प्रदेश की 7 सीटों पर मतदान, राजस्थान 12, उत्तर प्रदेश 14 और पश्चिम बंगाल की 7 सीटों पर मतदान, छठे चरण में 7 राज्य की 59 सीट, नामांकन प्रक्रिया 16 अप्रैल से शुरू होगी,
23 अप्रैल तक चलेगी नामांकन प्रक्रिया। 12 मई को डाले जाएंगे वोट। बिहार की 8, हरियाणा की 10, झारखंड की 4, मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर वोटिंग। उत्तर प्रदेश की 14, पश्चिम बंगाल की 8 और दिल्ली की 7 सीटों पर मतदान। सातवें चरण में 8 राज्यों की 59 सीटें। 8 राज्यों की 59 सीटों पर 19 मई को वोटिंग। नामांकन प्रक्रिया 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक। बिहार की 8, झारखंड की 3, मध्य प्रदेश की 8, पंजाब की 13 और पश्चिम बंगाल की 9 सीट। चंडीगढ़ की 1, उत्तर प्रदेश की 13 और हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर मतदान। इस बार का लोकसभा चुनाव बेहद ही दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस बार सभी पार्टियों ने पिछले लोकसभा चुनाव से भी ज्यादा बड़े वादे किए हैं, लेकिन अब ये तय करना जनता के हाथ में है कि वे किसे जीत का तोहफा देती है और किसे विपक्ष में बैठाती है। इलेक्शन डेस्क, टोटल न्यूज। तो लोकसभा चुनाव के पहले चरण को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। चुनाव प्रचार थम गया है। पहले चरण के चुनाव में कई दिग्गज अपनी किस्मत दांव पर लगाए हुए हैं। देखते हैं कि किस को जनता सर माथे पर बैठाती है। ग्यारह अप्रैल को देश में पहले चरण का चुनाव होना है। इस दिन कई वीवीआईपी कैंडिडेट्स की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। आपको बता दें कि पहले चरण में 20 राज्यों की 91 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा, जिसमें पहले चरण में नितिन गडकरी, चौधरी अजीत सिंह, वीके सिंह और जयंत चौधरी समेत 10 वीवीआईपी कैंडिडेट्स की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद होगा। सबसे पहले बात केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की, जो महाराष्ट्र की राजनीति के बड़े चेहरे हैं। गडकरी एक बार फिर बीजेपी के टिकट से नागपुर संसदीय सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर उनका मुकाबला कांग्रेस के उम्मीदवार नाना पटोले से होगा। आरएसएस के प्रभाव वाली नागपुर सीट पर 2014 में गडकरी ने 2.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी। हालांकि नागपुर सीट पर बीजेपी का दबदबा रहा है, लेकिन कुनबी समाज में आने वाले नाना पटोले के मैदान में उतरने से गडकरी को इस बार कांटे की टक्कर मिल सकती है। अब बात आरएलडी के संस्थापक चौधरी अजीत सिंह की, जो मुजफ्फरनगर सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उनका सीधा मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान से होगा। देखा जाए तो इस सीट पर मुसलमान, जाटव और जाट वोट बैंक का अच्छा खासा प्रभाव है। एसपी, बीएसपी और आरएलडी गठबंधन के चलते इस सीट पर उनका पलड़ा भारी दिखता है। हालांकि वो पिछला चुनाव मोदी लहर में हार गए थे, लेकिन ये भी सच है कि अजीत सिंह जाटों के बड़े नेता माने जाते हैं। दिल्ली से सटे होने के चलते गाजियाबाद की सियासी अहमियत काफी है। पूर्व सेना प्रमुख और विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह एक बार फिर बीजेपी की टिकट से इस सीट पर प्रत्याशी हैं। कांग्रेस, सपा बसपा और आरएलडी गठबंधन ने इस सीट पर वीके सिंह के लिए मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। वीके सिंह को कांग्रेस की डॉली शर्मा और गठबंधन उम्मीदवार सुरेश बंसल से कांटे की टक्कर मिलने की उम्मीद है। राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी को राजनीति विरासत में मिली है। उनके बाबा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जबकि पिता अजीत सिंह केंद्रीय मंत्री का पदभार संभाल चुके हैं। इस बार एसपी, बीएसपी और आरएलडी गठबंधन के बैनर तले जयंत चौधरी बागपत संसदीय सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। बागपत आरएलडी का गढ़ है। उनके पिता अजीत चौधरी यहां से कई बार सांसद रह चुके हैं। जयंत 15वीं लोकसभा में मथुरा से सांसद रहे और 2014 में वो मथुरा से हेमा मालिनी के सामने हार गए थे। अभिनेता से नेता बने चिराग पासवान एनडीए गठबंधन के तहत बिहार की जमुई लोकसभा सीट से चुनावी रण में हैं। लोक जनशक्ति पार्टी नेता चिराग पासवान 2014 में जमुई सीट से चुनाव लड़े और करीब 80,000 वोटों से जीतकर संसद पहुंचे। एलजेपी के अध्यक्ष रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान का मुकाबला इस बार महागठबंधन के भूदेव चौधरी से होगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी महादलित समुदाय से आते हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के मुखिया जीतन राम मांझी बिहार के गया संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं।
जीतम राम मांझी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और वीआईपी महागठबंधन के साथ मिलकर लड़ रही है। गया सीट पर मुख्य मुकाबला आरजेडी और महागठबंधन के बीच ही माना जा रहा है। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा इस बार गौतम बुद्ध नगर से चुनावी रण में हैं। उनकी किस्मत यहां होने वाले त्रिकोणीय मुकाबले में दांव पर लगी है। कांग्रेस ने अरविंद कुमार सिंह को, जबकि सपा बसपा आरएलडी गठबंधन ने यहां बसपा के सतवीर को संयुक्त रूप से उम्मीदवार बनाया है। इस संसदीय क्षेत्र से 2 निर्दलीय सहित कुल 13 उम्मीदवार मैदान में हैं। साल 2014 में AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से लगातार तीसरी बार लोकसभा सांसद चुने गए। अब एक बार फिर ओवैसी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वो मुसलमानों के बड़े चेहरे हैं। हैदराबाद लोकसभा सीट पर अब तक कुल 16 बार लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, जिनमें से 8 बार AIMIM ने जीत दर्ज की। मेरठ सीट महागठबंधन में बसपा को मिली है। इस सीट पर BSP ने हाजी याकूब कुरैशी को उम्मीदवार बनाया है। हाजी याकूब कुरैशी बढ़ापुर से विधायक भी हैं। इस बार गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में हाजी याकूब कुरैशी BJP को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। इस सीट पर हाजी याकूब कुरैशी का मुख्य मुकाबला BJP के राजेंद्र अग्रवाल और कांग्रेस के हरेंद्र अग्रवाल से है। कभी BSP में नंबर 2 रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी इस बार UP के बिजनौर लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। बसपा ने इस सीट पर मलूक नागर और BJP ने कुंवर भारतेंदु सिंह को उम्मीदवार बनाया है, यानी मुकाबला त्रिकोणीय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज। लोकसभा चुनाव अब बेहद नजदीक हैं और सभी पार्टियों ने प्रचार के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में नेताओं की ज्यादा दिलचस्पी इसलिए है, कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत उत्तर प्रदेश में लगाई है। इसके लिए प्रियंका गांधी दिन रात उत्तर प्रदेश में रैलियां कर रही हैं और अब कांग्रेस नाराज लोगों को लुभाने और अपने साथ जोड़ने के लिए बड़ा दांव चला है। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के लिए एक मिनी घोषणा पत्र तैयार किया है। लोकसभा चुनाव अब बेहद नजदीक है और सभी पार्टियों ने प्रचार के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। वैसे तो सभी दल सभी राज्यों में प्रचार कर रहे हैं, लेकिन यूपी में नेताओं की ज्यादा दिलचस्पी है और उसकी वजह है कुछ पुराने आंकड़े। एक कहावत है जिसमें कहा जाता है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी तक जाने का रास्ता यूपी से होकर जाता है। इसके पीछे एक ठोस वजह ये भी है कि यूपी में सबसे ज्यादा 80 सांसद चुनकर संसद पहुंचते हैं और इसीलिए कांग्रेस ने भी अपनी पूरी ताकत यूपी में लगा दी है। इसके लिए प्रियंका गांधी दिन रात यूपी में रैलियां कर रही हैं और अब कांग्रेस ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नाराज लोगों को लुभाने और अपने साथ जोड़ने के लिए बड़ा दांव चला। कांग्रेस यूपी के लिए मिनी मैनिफेस्टो लाएगी, जिसमें शिक्षा मित्रों, अस्थायी कर्मचारियों, किसानों और सूबे की कानून व्यवस्था के मुद्दे पर समाधान के लिए ठोस आश्वासन देगी। माना जा रहा है कि इस मिनी मैनिफेस्टो को कांग्रेस पहले चरण की वोटिंग से पहले लखनऊ में जारी करेगी। खबरों के मुताबिक कांग्रेस के मिनी घोषणा पत्र की जिम्मेदारी पार्टी नेता राशिद अल्वी को दी गई है। दरअसल कांग्रेस यूपी में उन मुद्दों को घोषणा पत्र में शामिल कर रही है, जिन्हें लेकर यूपी में योगी सरकार के खिलाफ लोग नाराज चल रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा मित्र, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर्स, रसोइयों और पुरानी पेंशन बहाल का है। इन तमाम मुद्दों को लेकर इससे जुड़े हुए लोग काफी समय से संघर्ष कर रहे हैं। बता दें कि पिछले दिनों कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने शिक्षा मित्रों, आंगनवाड़ी, रोजगार सेवकों, आशा वर्कर समेत आधुनिक मदरसा शिक्षकों और शिक्षा प्रेरकों के संगठनों के लोगों से मुलाकात की थी और प्रियंका गांधी ने इन संगठनों के लोगों से मुलाकात के दौरान उनकी समस्याओं को सुनकर उन्हें ठोस आश्वासन दिया। और तभी से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस यूपी के लिए कुछ अलग कर सकती है। बता दें कि कांग्रेस यूपी में अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने की हर संभव कोशिश में जुटी है। सपा, बसपा और बीजेपी के बागियों को कांग्रेस ने अपने साथ मिलाया है। कांग्रेस ने खासकर शिक्षा मित्र के मुद्दे को अधिक से अधिक अहमियत देने का फैसला किया। सूबे में करीब 1.5 लाख शिक्षा मित्र हैं। इसके अलावा आवारा पशुओं से किसानों को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए बेहतर कदम उठाने की बात को मैनिफेस्टो में शामिल करेगी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सभी दलों के मैनिफेस्टो के बीच यूपी के लिए कांग्रेस का मिनी मैनिफेस्टो कितना कारगर होता है और कितना वोट बटोरने वाला साबित होता है। इलेक्शन डेस्क, टोटल। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द हाजिर होते हैं।